checking it twice. I know where you've been, I smell the sin, and you're looking nice. ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था थोड़ा। इसको करेंगे क्लच सेटलमेंट भी करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज की वीडियो MT-15 के ऊपर होने वाली है, इसके हैंडल बार्स के मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो जैसा कि आपको हैंडल बार में चेंज दिख ही रहा होगा, तो पोजीशन की बात करूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा लो हो चुके हैं ये। तो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रोक हैंडल बार्स। बस हमने इसको किया क्या है, इस हैंडल बार को रोटेट कर दिया है और डाउन साइड लगा दिया है इसको। तो हैंडलिंग आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। चलो R5 जितना डाउन तो हो ही गया होगा हैंडल बार। सीधा तो अगर मैं क्लिपॉन्स की बात करूँ तो इसमें क्लिपॉन्स नहीं लग सकते, क्लिपॉन हैंडल बार जो आते हैं वो जो यहाँ पर लगते हैं इस जगह पे। और ये रही मेरी NS, लग क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो फेयरिंग है वो दिक्कत देगी अगर लगा दिए तो। लॉक भी नहीं होगी बाइक और ढंग से हैंडल भी नहीं मुड़ेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट मॉडिफिकेशन यू कैन डू। तो अब लीन मार के देखते हैं थोड़ा किस तरह की पोजीशन है। तो लीन तो सही आ रही है, बाकी इसमें स्टॉक टायर्स डले हुए हैं तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। और आज मौसम तो देख ही रहोगे आप कितना ख़राब हो रहा है। Still in your mind.